मैंने कहा चैप्टर का यहां पर नाम है बेटा केमिकल काइनेटिक्स, यहां पर चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स, यानी कि रासायनिक बल गतिकी। जहां पर काइनेटिक्स का मतलब होता है बेटा, जहां पर काइनेटिक्स का मतलब होता है स्पीड या फिर रेट, या फिर इसी को बोलते हैं बेटा दर, इसी को बोलते हैं दर। तो इस पूरे चैप्टर में हम रिएक्शन की स्पीड के बारे में, रिएक्शन के रेट के बारे में, याद रखना रेट का मतलब स्पीड होता है, रेट का मतलब स्पीड होता है, रेट का मतलब दर होता है। तो इस पूरे चैप्टर में हम किसी भी क्रिया के दर के बारे में बात करेंगे, ये देखेंगे कि कोई भी रिएक्शन कब फास्ट होगा, कोई भी रिएक्शन कब स्लो होगा, और कौन कौन से कारक रिएक्शन की स्पीड को यानी कि दर को प्रभावित करते हैं। तो बेटा किसी भी रिएक्शन को देखने के बाद ये कैसे पता चलता है कि रिएक्शन फास्ट हो रहा है कि रिएक्शन स्लो हो रहा है? तो शुरुआत करेंगे रिएक्शन के स्पीड के परिभाषा से। कोई आपसे बोलेगा चलो रिएक्शन के दर को परिभाषित करो, रिएक्शन के स्पीड को परिभाषित करो। आप कैसे परिभाषित करेंगे? कोई आपसे पूछेगा रिएक्शन फास्ट हो रहा है कि स्लो हो रहा है, कैसे पता चलेगा? उसकी परिभाषा क्या है, स्पीड की परिभाषा क्या है, दर की परिभाषा क्या है? तो ये बताओ सिर्फ स्पीड की परिभाषा क्या होती है? आप कहते हैं कि जब भी कोई वस्तु एक जगह से दूसरे जगह तक मूव करता है, तो आप कहते हैं कोई भी वस्तु दिए गए समय में कितनी दूरी तय करेगा, आप कहते हैं कोई भी वस्तु दिए गए समय में कितनी दूरी तय करेगा, ये उसका स्पीड है, ये उसका वेग है, यही कहते हैं ना आप कहते हैं कोई भी वस्तु दिए गए समय में कितनी दूरी तय करेगा, ये उसका दर है। और आप कहते हैं दिए गए समय में जितनी ज़्यादा दूरी तय की जाएगी, हम कहेंगे घटना या प्रोसेस फास्ट रहा होगा। और कोई भी चीज़ अगर दिए गए समय में कम दूरी तय करेगा, तो आप कहेंगे प्रोसेस स्लो है। तो कोई भी प्रोसेस स्लो है कि फास्ट है, कैसे पता करते हैं बेटा? तो कोई भी वस्तु दिए गए समय में कितनी दूरी तय करेगा, ये उसका स्पीड है। अगर दूरी ज़्यादा तय करेगा तो आप बोलेंगे प्रोसेस फास्ट रहा होगा, और अगर दूरी कम तय करेगा तो आप कहेंगे प्रोसेस स्लो रहा होगा। लेकिन प्रश्न है किसी रिएक्शन के स्पीड को कैसे जज करेंगे, किसी रिएक्शन के दर को कैसे जज करेंगे? भाई इसी को समझने के लिए मैं आपके सामने बेटा दो उदाहरण बना रहा हूँ, जरा गौर से देखिएगा। मान लो मेरे पास एक अभिकर्मक है ए, मेरे पास एक रिएक्टेंट है ए, और ये उत्पाद बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। एक रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट बन रहा है, एक और रिएक्टेंट है बी, ये भी प्रोडक्ट बन रहा है। जरा गौर सुनना, अब मुझे ये पता लगाना है कि ये वाला रिएक्शन फास्ट होगा कि ये वाला रिएक्शन फास्ट होगा, कैसे चेक करेंगे? तो अभी सुनना ध्यान से, मान लो कि अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुआ है, यानी कि समय का मान शून्य है, अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुआ है। तो जब रिएक्शन शुरू नहीं हुआ है, तब मैंने ए का ले रखा है बेटा 100 मोल, बी को भी मैंने ले रखा है 100 मोल। अब तुम मुझे एक बात बताओ, अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुआ है तो स्वाभाविक सी बात है बेटा उत्पाद तो बना नहीं होगा, प्रोडक्ट नहीं बना होगा, अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुआ है। तो रिएक्शन शुरू होने से पहले ए का मैंने कितना क्वांटिटी लिया है 100 मोल, बी का कितना क्वांटिटी लिया है 100 मोल। लेकिन अब देखना क्या होता है, अब मैं दोनों रिएक्शन को एक साथ शुरू करूंगा और दोनों रिएक्शन को चलाऊंगा कम से कम 5 मिनट तक, मैं 5 मिनट तक दोनों रिएक्शन को चलाऊंगा। तो मैंने क्या देखा, अच्छा ये तो आपको पता है ना कि जब रिएक्शन चलना शुरू होता है, जब कोई भी अभिक्रिया शुरू होता है, तो बेटा जो रिएक्टेंट होता है इसका क्वांटिटी कम होता जाएगा, इसका जो आपने मात्रा लिया है वो कम होता जाएगा, और जो उत्पाद होता है इसका मात्रा बढ़ता है। ये बात हर कोई जानता है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, रिएक्शन आगे बढ़ेगा, तो रिएक्टेंट जो होता है इसकी मात्रा कम होती जाएगी और जो प्रोडक्ट है इसकी मात्रा बढ़ेगी। तो मैंने क्या किया, इस रिएक्शन को मैंने पाँच मिनट तक चलाया। तो मैं क्या देखता हूँ, 5 मिनट के बाद अचानक
ए का जो मात्रा है वो 100 मोल से घट के 60 मोल हो गया, 100 मोल से घट के 60 मोल हो गया। तो अब प्रश्न ये उठता है 40 मोल कहाँ गए? तो बेटा 40 मोल रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन चुका है, यानी कि 5 मिनट के बाद आपका जो प्रोडक्ट है वो 40 मोल बन चुका होगा, 40 मोल बन चुका होगा। अच्छा जी, लेकिन अब इस रिएक्शन को भी मैंने 5 मिनट तक चलाया, इस रिएक्शन को भी मैंने 5 मिनट तक चलाया, पर मैंने क्या देखा कि ये वाला रिएक्शन जो था 5 मिनट के बाद ए का जो मात्रा है वो घट के 100 मोल से 60 मोल हो गया। लेकिन इस केस में मैंने क्या देखा, रिएक्टेंट के जो मात्रा है वो 100 मोल से घट के 20 मोल हो गया। अरे भाई 80 मोल रिएक्टेंट कहाँ गए? तो बेटा वो बन गया उत्पाद, तो ये बन गया 80 मोल, ये बन गया 80 मोल। तो अब प्रश्न ये उठता है कि दोनों रिएक्शन को मैंने एक साथ शुरू किया, ये जो रिएक्शन है और ये जो रिएक्शन है, दोनों रिएक्शन को मैंने 5 मिनट तक चलाया, पर मैं यहाँ क्या देखता हूँ, 5 मिनट में ए का मात्रा 100 मोल से घट के 60 मोल हो गया, और इस केस में 5 मिनट के बाद बी का मात्रा 100 मोल से घट के 20 मोल हो गया। अब आपको बताना है बेटा इन दोनों में से कौन सा अभिक्रिया यानी कौन सा रिएक्शन फास्ट हुआ होगा, इसमें से कौन सा वाला रिएक्शन फास्ट हुआ, बताएंगे मेरे को इसमें से कौन सा रिएक्शन फास्ट हुआ है। दोनों को मैंने 5 मिनट तक चलाया, दोनों को मैंने 5 मिनट तक चलाया, पर क्या बता सकते हैं इन दोनों में से कौन सा रिएक्शन फास्ट हुआ है? हाँ एकदम सही, सही बेटा, सही 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 सही, ये फास्ट हुआ और ये वाला स्लो हुआ। तो कैसे पता चला आपको, कैसे पता चला कि इस रिएक्शन का दर यानी कि स्पीड कम है, और कैसे पता चला कि इस रिएक्शन का स्पीड यानी कि दर ज्यादा है? कैसे पता चल रहा दर बेटा, कैसे पता चल रहा है? तो आपने बोला कि सर इस वाले में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मात्रा में कम बदलाव आया है, बदलाव कम आया, और इस वाले में बदलाव ज्यादा आया। इस वाले में दिख रहा है साफ साफ कि 5 मिनट में यहां रिएक्टेंट में कम बदलाव आया और इस वाले में ज्यादा बदलाव। तो कहानी यह है, कहानी यह है कि दिए गए समय में रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट के मात्रा में आने वाला बदलाव ही क्रिया का दर कहलाता है। फिर रिपीट करता हूं, दिए गए समय में रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट के मात्रा में आने वाला बदलाव ही दर कहलाता है। अगर बदलाव कम हुआ, दिए गए समय में अगर बदलाव कम हुआ तो आप कहेंगे दर कम था, और अगर बदलाव ज़्यादा हुआ तो दर ज़्यादा था। तो किसी भी अभिक्रिया का जो दर होता है, जो स्पीड होता है, उसको हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मात्रा में आने वाले बदलाव को देख के बताते हैं। अगर बदलाव कम हो रहा है तो बोलेंगे रिएक्शन स्लो चल रहा है, और अगर बदलाव जल्दी जल्दी हो रहा है तो आप बोलेंगे बेटा रिएक्शन फास्ट हो रहा है। तो इस प्रकार से क्रिया के दर को हम देख पाते हैं, जज कर पाते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट लेंगे बेटा इसका, ओके। तो मैंने कहा कि दर को आप कैसे परिभाषित करेंगे बेटा, दर को आप परिभाषित करेंगे मात्रा में आने वाला बदलाव समय काल के साथ, समय के साथ साथ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मात्रा में जो बदलाव आता है उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, दर बोलते हैं। तो आप अगर आप इसका फॉर्मूला लिखने की बात करें, अगर आप इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो बेटा यह ऐसा होगा। अगर आपको पूछेगा क्रिया के दर को कैसे लिखा जाए, तो आप कहेंगे कि क्रिया या अभिक्रिया क्या, अभिक्रिया का दर कैसे परिभाषित होगा बेटा, तो आप इसको कहेंगे सांद्रता में परिवर्तन बटे समय काल, यानी कि टाइम के साथ साथ समय के साथ साथ सांद्रता में जो परिवर्तन आएगा उसी को आप क्रिया का दर कहेंगे, यानी कि इसको हम बोलते हैं बेटा रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करेगा, तो आप कहेंगे इट इज द चेंज इन कंसंट्रेशन
कंसंट्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो समय के साथ साथ, समय के साथ साथ सांद्रता में जो परिवर्तन आएगा उसी को आप क्या बोलते हैं बेटा, क्रिया का दर कहते हैं। और सिंपल सी कहानी है, समय के साथ साथ अगर सांद्रता में, समय के साथ साथ सांद्रता में परिवर्तन अगर ज्यादा आया तो बोलेंगे दर ज्यादा था, और समय के साथ साथ अगर परिवर्तन कम आया तो बोलेंगे दर कम था। तो इस प्रकार से आप क्रिया के दर को परिभाषित कर सकते हैं। लिखिए इसको, इस तरह से आप क्रिया के दर को परिभाषित कर सकते हैं। समय के साथ साथ जो भी परिवर्तन आएगा उसी को क्रिया का दर कहते हैं बेटा। और अगर परिवर्तन ज्यादा आ रहा है तो बोलेंगे क्रिया का दर ज्यादा था, यानी कि रिएक्शन फास्ट था। और अगर परिवर्तन कम आएगा तो बोलेंगे रिएक्शन का जो स्पीड है वो स्लो था। अच्छा जी, अब मैं ये तो जान गया कि रिएक्शन की स्पीड को हम डिफाइन कैसे करेंगे। अब हम बात करते हैं बेटा इसकी इकाई की। इसका इकाई यानी कि यूनिट, कोई पूछेगा कि दर का, दर की इकाई क्या होती है, दर की इकाई। तो ऊपर आप क्या लिखे हो, ऊपर लिखे हो बेटा सांद्रता, ऊपर आप लिखे हैं सांद्रता, और नीचे क्या लिखे हो, टाइम यानी कि समय। तो बेटा सांद्रता का इकाई क्या होता है, सांद्रता की इकाई होता है मोल प्रति लीटर, और समय का इकाई क्या होता है, सेकेंड। तो क्या इकाई बन गया बेटा इसको, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। तो आपको याद रखना है दर की इकाई, दर की इकाई क्या पाई जाएगी बेटा, मोल प्रति सेकंड। प्लीज इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो याद ना, दर की इकाई होगी मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो अब हमको यह तो पता चल गया कि रिएक्शन के दर को परिभाषित कैसे करेंगे। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करता हूं, मैंने कहा समय के साथ साथ रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में जो भी बदलाव आएगा, जो अभी कर्मक है और जो उत्पाद है उसमें जो भी बदलाव आएगा सांद्रता में, उसी को रिएक्शन का स्पीड कहेंगे। अगर अगर बदलाव, परिवर्तन ज़्यादा आएगा समय के साथ साथ, अगर बदलाव ज़्यादा आएगा तो आप बोलेंगे दर ज़्यादा है, और अगर बदलाव कम आया तो बोलेंगे बेटा दर कम है। चलिए ठीक है, तो अब मैं ये तो जान गया कि क्रिया का दर क्या होता है। अब देखते हैं बेटा क्रिया के दर कितने प्रकार के होते हैं। ये मैं अभी जो परिभाषा बता रहा था ये वही है बेटा, अभी मैंने क्या बताया यहाँ पर कि दर जो होता है वो अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता परिवर्तन, परिवर्तन बटे समयकाल, समयकाल है ना। मैंने बताया ना अभी आपको क्रिया का दर कैसे परिभाषित होगा, तो आप कहेंगे कि अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट और उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट के अंदर जो भी बदलाव आएगा उसी को, समय के साथ साथ जो बदलाव आएगा उसी को हम क्रिया का दर बोलते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, अब मैं ये तो समझ गया कि अभिक्रिया के दर को हम कैसे परिभाषित करेंगे, डिफाइन करेंगे। अब देखते हैं बेटा ये तो दर होता है ये कितने प्रकार का होता है, अभिक्रिया का दर कितने प्रकार का होता है। तो अभिक्रिया का दर यानी रिएक्शन का जो स्पीड है, रिएक्शन का जो स्पीड है वो दो टाइप का होता है। एक जिसे बोलते हैं बेटा औसत अभिक्रिया का दर, और दूसरा बोलते हैं ताक्षणिक अभिक्रिया का दर। एक होता है बेटा एवरेज, इसको बोलते हैं एवरेज रेट, और इसको बोलते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट। चलिए एक एक करके मैं दोनों को समझाता हूं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर मैं आगे बताता हूं बेटा। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं इसको, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। लीजिए, तो क्रिया का जो दर है उसको दो प्रकार से परिभाषित करते हैं, दो तरीकों से देखते हैं। क्रिया का दर दो प्रकार का होता है, एक औसत दर बोलते हैं और एक को ताक्षणिक दर बोलते हैं। एक होता है बेटा औसत दर और एक होता है ताक्षणिक दर। चलिए दोनों को समझने की कोशिश करते हैं, दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा औसत अभिक्रिया दर के बारे में। औसत अभिक्रिया दर ये क्या होता है, ध्यान समझेंगे इसको बेटा। तो पहले बात करते हैं, यहां पर दो प्रकार के थे, इसी के बारे में हम बात करेंगे ना। चलिए तो देखते हैं बेटा जो औसत दर होता है इसका क्या मतलब होता है, औसत दर क्या होता है, एकदम गौर सुनेंगे।
औसत दर यानी कि एवरेज स्पीड, बेटा एवरेज स्पीड, औसत दर यानी कि हम इसको बोलते हैं एवरेज स्पीड। अब बताओ एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं। मान लो एक एक गाड़ी है, ये देखो एक कार है, ध्यान दीजिए, मान लो कि एक कार है, एक कार है, वो इस पॉइंट पर खड़ा है, इस पॉइंट पर खड़ा है। अब वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना चाहता है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना चाहता है, और दूरी है, दूरी है बेटा मान लो 50 किलोमीटर, दूरी है 50 किलोमीटर। अब अभी गाड़ी शुरू नहीं हुआ है, ये कार शुरू नहीं हुआ है, यानी समय का मान है शून्य, समय का मान है शून्य, अभी मान लो गाड़ी शुरू नहीं हुआ है। अब गाड़ी स्टार्ट होगा, गाड़ी स्टार्ट होगा, अब मान लीजिए मेरे घड़ी में, मेरे घड़ी में टाइम हो रहा है 5, यहाँ पर टाइम बज रहा बेटा 5 PM, समय हो रहा 5 PM। अब ये गाड़ी यहाँ से यहाँ पहुँच गया, अब देखो ये गाड़ी जो है वो यहाँ से यहाँ पहुँच गया, ये गाड़ी जो है वो यहाँ से आप देख सकते यहाँ पहुँच गया, और जब गाड़ी वहाँ पहुँचा तो समय का मान हुआ था 6 PM, 6 PM। तो आप देखो ये गाड़ी 5 बजे इस पॉइंट से निकला और 6 बजे इस पॉइंट पे पहुंच गया, और दूरी थी 50 किलोमीटर की। तो अब तुम बताओ इस गाड़ी की स्पीड क्या रही होगी, इस गाड़ी की स्पीड यानी कि दर क्या रही होगी। तो तुम कहोगे सर क्योंकि ये गाड़ी 50 किलोमीटर एक घंटे में पहुंच गया, 5 बजे से 6 बजे एक घंटे का समय है ना बेटा, तो ये गाड़ी एक घंटे में 50 किलोमीटर पार कर गया, यानी इस गाड़ी की स्पीड रही होगी 5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो इस गाड़ी की स्पीड क्या रही होगी, आप स्पीड बता रहे हो, मैंने पूछा इस गाड़ी की स्पीड क्या थी, तो तुमने बोला कि ये गाड़ी क्योंकि एक घंटे में 50 किलोमीटर तय कर चुका है तो इस गाड़ी की स्पीड रही होगी बेटा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। पर तुम बताओ जब ये गाड़ी शुरू हुआ और जब ये पहुंचा अपने स्थान पर, तो क्या पूरे रास्ते के दौरान, पूरे रास्ते के दौरान स्पीड यही रही होगी, है जी, क्या पूरे रास्ते के दौरान स्पीड यही रही होगी। हो सकता है कहीं पर गाड़ी थोड़ा स्लो हुआ होगा, थोड़ा और फास्ट हो गया होगा। तो बेटा हमने इस बात को नेगलेक्ट कर दिया कि गाड़ी कहां पर स्लो हुआ, कहां पर फास्ट हुआ। हमने सीधा क्या देखा कि यहां से लेकर के यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, और सीधा हमने क्या बोला उतने टाइम में इतना डिस्टेंस कवर हुआ, इट मीन्स ये गाड़ी का स्पीड होगा 50 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब क्या समझे, इसको बोलते हैं बेटा औसत दर। औसत दर मतलब कि आपने दो बड़े बड़े समय के अंतराल के बीच में आने वाले परिवर्तन को देखा है। तो जब भी दो बड़े समय के अंतराल में आने वाले बदलाव को देखते हैं तो बेटा इसको औसत दर बोलते हैं, इसको एवरेज स्पीड बोलते हैं, इसको एवरेज स्पीड बोलते हैं। आप देखिए एक घंटा बहुत बड़ा गैप होता है, आपने बहुत बड़ा समय का अंतराल लिया है, तो जब समय का अंतराल बहुत ज़्यादा होता है उस बीच में आने वाले बदलाव को देखते हो तो वो एवरेज स्पीड कहलाता है, वो औसत दर कहलाता है। लेकिन सुनना जब ये गाड़ी चल रही थी, आगे चल रही थी, और मान लो कि अचानक समय हुआ 5:20, और मैंने आपसे पूछ दिया चलो अपने गाड़ी में माइलोमीटर में देख के बताओ अभी समय हो रहा है 5:20, अभी आपका स्पीड क्या है। तुमने क्या देखा कि 5:20 में, एग्जैक्ट 5:20 में जब मैंने अपने गाड़ी का माइलोमीटर देखा तो यहां स्पीड दिखा रहा था बेटा 47 किलोमीटर पर आवर। तो अब सुनना क्या होता है, आप किसी विशेष समय पर अगर किसी चीज का गति देख रहे होगे, किसी विशेष समय पर, किसी फिक्स टाइम पर जब आप किसी चीज का स्पीड देखते हो तो यह कहलाता है बेटा इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी कि तात्क्षणिक दर। इसको बोलते हैं तात्क्षणिक, आप लिखे हो ना यहां पर, ये देखो एक क्या था औसत दर और एक क्या बेटा तात्क्षणिक दर। तो दोनों में फर्क क्या है, औसत दर का मतलब होता है बड़े अंतराल में आने वाला बदलाव, और तात्क्षणिक दर का मतलब होता है किसी निश्चित समय पर जो भी बदलाव दिखाई देगा उस बदलाव को बोल देना ये क्या है बेटा इंस्टेंटेनियस रेट, यानी कि तात्क्षणिक दर। तो दर दो प्रकार के होते हैं, एक बड़े अंतराल में निकाला गया बदलाव और दूसरा छोटे अंतराल में निकाला गया बदलाव। ये बताओ जब मैं तुमसे कहूंगा कि मेरे घड़ी में 5:20 हुआ है, अब बताओ स्पीड क्या है, तो जितने देर में तुम स्पीड बताओगे
क्या समय रुका रहेगा? नहीं। क्या गाड़ी रुकी रहेगी? नहीं। तो गाड़ी तो चल रही है, समय भी आगे बढ़ रहा है। तो 5:20 में जब तुमने देखा तो कम से कम आपको 15-20 सेकेंड लगा देखने में और बताने में। तो यहां भी समय बदला है, समय यहां भी बदला है, स्पीड यहां भी बदला होगा, पर समय का जो बदलाव है बहुत कम है, 5-10 सेकेंड का। तो बेटा जब समय का बदलाव छोटा होता है, 5-10 सेकेंड, तो छोटे बदलाव के लिए जब आप स्पीड को एक्सप्रेस करते हो तो वो कहलाता है बेटा इंस्टेंटेनियस, यानी कि तात्क्षणिक स्पीड। और बड़े बदलाव को देखते हो तो कहलाता है एवरेज स्पीड। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको अभिक्रिया में अप्लाई करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम समझते हैं बेटा औसत दर को और तात्क्षणिक दर को। ये तो कार का एग्जाम्पल था ना, ये तो कार का एग्जाम्पल था, अब हम अभिक्रिया का एग्जाम्पल लेंगे ना भाई। चलो तो अब मैं आपको दिखाता हूँ बेटा औसत दर और तात्क्षणिक दर को कैसे हम समझ सकते हैं। एक मिनट। हाँ चलिए, तो सबसे पहले हम आ रहे हैं औसत दर पे। जरा गौर से सुनिएगा, समझते हैं बेटा। देखो समझने के लिए मैं आपको एक ग्राफ का आपके सामने एक ग्राफ बनाऊंगा और इसकी मदद लूंगा, ध्यान सुनना। मान लीजिए मेरे पास एक रिएक्शन है, ये जो आप देख पा रहे हैं ये अभिकारक है, एक अभिकारक है ए जो उत्पाद में बदल रहा है, उत्पाद में बदल रहा प्रोडक्ट बन रहा है। ध्यान सुनना, मेरे पास एक अभिकारक है ए जो उत्पाद में बदल रहा है। मैं रिएक्शन का जो स्पीड है, अच्छा एक बात और मुझे बताएंगे, एक बात बताएंगे मुझे कि बेटा रिएक्शन का जो स्पीड होता है, रिएक्शन का जो स्पीड है दर, रिएक्शन का जो स्पीड है दर, वो किसके मात्रा में आने वाले बदलाव को देख के बताते हो? तुम मुझे बताओ, तुमने ए के मात्रा में जो बदलाव आया उसको देख के बताया रिएक्शन का स्पीड कम है, कि उत्पाद में आने वाले बदलाव को देख के बताया कि रिएक्शन की स्पीड कम है? तुम मुझे बताओ, मैं तुमसे पूछ रहा हूं। तुमने अभिकारक के सांद्रता में आने वाले बदलाव को देख के बताया कि स्पीड फास्ट है, कि उत्पाद के मात्रा में आने वाले बदलाव को देख के बताया कि स्पीड फास्ट है? मेरे कहने का मतलब है प्रोसेस स्लो चल रहा है कि फास्ट चल रहा है, वो किसको देख के बताते हैं? रिएक्टेंट को कि प्रोडक्ट को? बताइए रिएक्शन का स्पीड फास्ट है कि स्लो है, ये सही से ही पता कैसे चलेगा? रिएक्टेंट को देख के पता चलेगा कि प्रोडक्ट को? सही से ही पता। नहीं बेटा, जवाब है दोनों में से किसी को भी देख के बताओ, आंसर आपका सही आएगा। जरा मैं समझाता हूँ। आप लोगों ने वो देखा है सैंड वॉच, ऐसा कम से कम फिल्मों में तो देखे ही होंगे, ऐसा इसके अंदर रेत रहता है, रेत ऊपर से नीचे गिरता है। ये देखो ये सैंड वॉच है, ऊपर से रेत जो है वो नीचे गिर रहा है, अब आप बताओ ये रेत जल्दी जल्दी गिर रहा है या धीरे धीरे गिर रहा है? ये आप ऊपर वाले डिब्बे को देख के सही से बता पाओगे या नीचे वाले डिब्बे को? मैंने कहा कि ये रेत धीरे धीरे नीचे गिर रहा है या जल्दी जल्दी नीचे गिर रहा है, ये आप ऊपर वाले डिब्बे को देख के सही से ही बता पाओगे या नीचे वाले को? हाँ, वो बैटरी जो है वो ख़त्म हो गया था बेटा, ठीक, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ उसके लिए सॉरी। हाँ तो मैं आपसे क्या प्रश्न पूछ रहा था, मैं आपसे ये प्रश्न पूछ रहा था कि आप लोगों ने ये जो सैंड वॉच है ये देखा होगा, जो आप देख पा रहे हैं ऊपर में रेत भरी हुई है वो नीचे गिर रहा है। अब आपको बताना है कि ये रेत ऊपर से नीचे गिर रहा है तो वो जल्दी जल्दी गिर रहा है कि धीमे धीमे गिर रहा है, वो कैसे पता चलेगा, ऊपर वाले डिब्बे को देख के कि नीचे वाले डिब्बे को देख के? तो जवाब है कि दोनों में से किसी भी डिब्बे को देख के आप बता सकते हो कि रेत जल्दी गिर रहा है कि धीमा गिर रहा है। कैसे? अगर मैं ऊपर वाले डिब्बे को ढक देता हूं तब भी आप बता सकते हो कि रेत नीचे जल्दी गिर रहा है कि स्लो। कैसे बेटा? अगर रेत जल्दी जल्दी नीचे आ रहा है, मतलब नीचे वाला डिब्बा अगर जल्दी जल्दी भर रहा है, मतलब रेत फास्ट गिर रहा है, और नीचे वाला डिब्बा अगर धीरे धीरे भर रहा है तो प्रोसेस स्लो है। अब अगर मैं ऊपर वाले डिब्बे को देख के स्पीड बताऊं तो
तो भी बता सकता हूं। अगर ऊपर वाला डिब्बा जल्दी जल्दी खाली हो रहा है तो प्रोसेस स्लो है, और ऊपर वाला डिब्बा अगर धीरे धीरे खाली हो रहा है, माफ कीजिए, जल्दी जल्दी खाली हो रहा है तो प्रोसेस फास्ट है, और अगर धीरे धीरे खाली हो रहा है तो प्रोसेस स्लो है। तो मेरे कहने का यह मतलब है कि रिएक्शन का जो स्पीड होता है उसको बेटा आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट यानी कि अभिकर्मक, अभिकारक और उत्पाद दोनों में से किसी को भी देख के बता सकते हो। तो याद रखना, रिएक्शन का जो स्पीड होता है वो रिएक्टेंट को देख के भी आप बता सकते हो, प्रोडक्ट को देख के भी बता सकते हो, क्योंकि बेटा जितना बदलाव रिएक्टेंट में आता है उतना ही बदलाव प्रोडक्ट में भी आता है। बस फर्क यह है कि रिएक्टेंट में बदलाव क्या आता है, ये कम होते जाता है, और जो प्रोडक्ट है वो बढ़ते जाता है। बस बदलाव ध्यान देना, बदलाव रिएक्टेंट में भी आएगा, प्रोडक्ट में भी आएगा, जो बदलाव है वो अभिकारक में भी आएगा और उत्पाद में भी आएगा। पर बस फर्क यह है कि अभिकारक जो है समय के साथ साथ इसकी मात्रा कम होती है, और जो उत्पाद है इसकी मात्रा समय के साथ साथ बढ़ती है। पर बदलाव दोनों में आएगा और बराबर आएगा, एक जैसा बदलाव आएगा, बस डायरेक्शन अपोजिट रहेगा। तो मैं आपको यह बता रहा था कि अगर मैं रिएक्शन की स्पीड को, अगर मैं आपको रिएक्शन की स्पीड को अभिकारक के हिसाब से बताऊं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैं उत्पाद को लेकर बताऊं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रिएक्शन का स्पीड यानी कि दर रिएक्टेंट को देख के भी आप बता सकते हैं, और जो प्रोडक्ट है उसको भी देख के आप बता सकते हैं। तो मान लीजिए मैं रिएक्टेंट को लेता हूं बेटा, तो मैंने इस तरफ रिएक्टेंट का सांद्रता ले लिया, रिएक्टेंट का सांद्रता ले लिया, ठीक है, और इस तरफ समय ले लेते हैं, इस समय मैंने टाइम ले लिया, इस तरफ मैंने समय ले लिया यानी कि टाइम ले लिया। अब देखना क्या होता है, यहां पर कुछ सांद्रता के मान होंगे, यहां पर समय का मान होगा। अब जरा गौर से सुनिएगा, उदाहरण के लिए यहां पर ये A का जो सांद्रता है ये बेटा मान लो 100 मोल, ये है 80 मोल, ये है 60 मोल, ये है माफ कीजिए 50 मोल, ये है 30 मोल इत्यादि। इस समय इस तरफ समय आगे बढ़ रहा है, समय आगे बढ़ रहा है, इसको 0 मिनट, इसको ले लेते हैं 5 मिनट, इसको ले लेते हैं 10 मिनट, ठीक उसी प्रकार ये है 15 मिनट, ये है 20 मिनट इत्यादि। अब देखो क्या होने वाला है, अब रिएक्शन चालू होगा। तो ये बता बेटा, जब रिएक्शन चालू होता है तो समय के साथ साथ जो अभिकारक है इसकी मात्रा में कमी आती है। तो बेटा कुछ देर के लिए मान लो कि समय जब शून्य था, मतलब रिएक्शन चालू नहीं हुआ था, तब सांद्रता का मान मान लो 100 मोल था। तो इसको हम लोग T1 मान लेते हैं और इसके सांद्रता को X1 मान लेते हैं। फिर रिएक्शन आगे बढ़ा और समय बीतते बीतते 20 मिनट हो गया, समय का मान हो गया बेटा 20 मिनट, उसको T2 लिख लेते हैं। तो समय बढ़ते बढ़ते 20 मिनट तक पहुंच गया। तो जैसे ही रिएक्शन 20 मिनट तक चला तो मैं क्या देखता हूं, सांद्रता का मान घट के मान लो बेटा 50 मोल हो गया। तो इतना तो आपको पता है ना कि समय जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो जो रिएक्टेंट है उसकी सांद्रता कम होते जाएगी। आप साफ साफ देख सकते हैं कि समय के साथ साथ सांद्रता में कमी आ रही है, अब कैसे कमी आ रही है। तो जब T1 था सांद्रता X1 था, और जब समय T2 हो गया तो सांद्रता X2 हो गया, माफ कीजिए सांद्रता जो है वो X2 हो गया। आप देख पा रहे हैं, जब समय T1 था तब सांद्रता X1 था, अब जब समय बढ़ के T2 हो गया तो सांद्रता घट के X2 हो गया। तो अब बताओ, अभी मैंने आपको बताया था दर को कैसे परिभाषित करते हैं। तो मैंने यहां पर लिखा था ना, ये देखो मैंने यहां पर लिखा है क्या कि अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन। तो आप यहां पर लिख सकते हैं, आपने अभी यहां पर अभिकारक लिया है और अभिकारक की मात्रा घट रही है, तो आप क्या लिखेंगे, दर कैसे परिभाषित करेंगे। तो आप यहां लिखेंगे बेटा अभिकारक के सांद्रता में आने वाली कमी
विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, समय काल। तो बताओ ए का सांद्रता कमी हो रही है उसमें समय के साथ साथ, उसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या? जल्दी बताओ बेटा, अभिकारक के सांद्रता में क्या बदलाव आ रहा है? वो x1 से x2 हो रहा है और समय t1 से t2, तो इनके बीच का अंतर निकालूंगा। तो कैसे निकालूंगा? x2 माइनस x1 t2 माइनस t1, ऐसे ही तो अंतर निकाला जाता है। तो लीजिए, मैंने आपको बता दिया कि दर को आप कैसे फॉर्मुलेट करेंगे या उसको डिफाइन करेंगे। तो कोई आपसे पूछता है कि औसत दर क्या होता है, तो तुमने क्या किया, ये देखो कितने बीच का अंतराल है, 20 मिनट का। तो मैंने क्या बताया था, जब बड़े अंतराल में आने वाले बदलाव को देखते हैं तो वहां जो दर हम देख रहे होते हैं उसे कहते हैं बेटा औसत दर, इसे हम कहते हैं औसत दर। क्योंकि आपसे पूछेगा औसत दर क्या होता है, तो तुम कहना एक बड़े अंतराल के लिए अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसी को हम बोलते हैं बेटा औसत दर। और इसको अगर और आगे लिखूं तो कैसे लिखाएगा बेटा, ये बताओ यहां पर x1 का मान ज्यादा है, 100 लिखा है 100, और x2 का मान कम है 50 लिखा है। तो बेटा आप यहां पर x2 लिए हो 50 और इसको लिए हो 100, t2 क्या है, t2 है 20 और t1 है 0। तो बेटा आप देख सकते हैं यहां पर जो मान आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, यहां पर नेगेटिव मान आ रहा है। तो यहां पर सुनना, इसी सूत्र को आप ऐसे भी लिख सकते हो, x2 माइनस x1 को आप डेल्टा x बाई डेल्टा t लिख सकते हो, इसको आप डेल्टा x बाई डेल्टा t, यानी कि डेल्टा x मतलब कि सांद्रता में आने वाला बदलाव और डेल्टा t मतलब समय में आने वाला बदलाव। तो आप कहेंगे कि औसत दर का सूत्र निकल के ये आया, यह बेटा औसत दर का सूत्र। पर इस सूत्र में नेगेटिव साइन है, इस नेगेटिव साइन का मतलब क्या समझे, आप यहां पर अभिकारक को लेकर के उसका दर निकाल रहे हो। तो अभिकारक समय के साथ साथ कम होता है, अभिकारक की मात्रा समय के साथ साथ कम होता है, तो स्वाभाविक सी बात है वहां आंसर नेगेटिव आएगा। तो याद रखना औसत दर हमेशा नेगेटिव आता है। क्यों नेगेटिव आता है, क्योंकि समय के साथ साथ अभिकारक का जो सांद्रता है वो कम होता है। तो अब एक बार फिर से रिपीट कर दूं, दो अलग अलग समय के लिए आने वाले परिवर्तन को जब देखा जाता है तो इसी को बोलते हैं बेटा औसत दर। प्लीज इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, अब ताक्षणिक दर कैसे होगा, तो इसी में मैं आपको ताक्षणिक दर को एक्सप्लेन करता हूं सेम टू सेम। तो अब बात करते हैं बेटा ताक्षणिक दर की। तो ताक्षणिक दर को मैं समझाने के लिए फिर से वही ग्राफ बनाता हूं। यहां पर मैंने अभिकारक का सांद्रता ले लिया, यहां पर मैंने टाइम ले लिया और आपको तो पता है समय के साथ साथ जो अभिकारक होता है उसकी सांद्रता में कमी आती है। और आप देख सकते हैं कि अगर समय t1 है तो सांद्रता मान लो x1 है, और समय बढ़ के अगर t2 हो जाएगा तो सांद्रता घट के x2 हो जाएगा। और यहां पर अगर आप एवरेज दर निकालेंगे, यानी कि औसत दर निकालेंगे तो क्या सूत्र था बेटा, क्योंकि आपने दो बड़े समय के अंतराल में आने वाले परिवर्तन को देखा था, तो इसीलिए इसको आप डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी लिखते थे, हम माइनस साइन लगाते थे। लेकिन अब सुनना, मुझे पता है कि इस समय तक अगर जाऊंगा तो सांद्रता में अच्छी खासी कमी आएगी, लेकिन अब मैं ये जानना चाहता हूं कि किसी निश्चित समय पर सांद्रता का क्या मान हो रखा है। तो बेटा जब दो अलग अलग टाइम के बीच सांद्रता का परिवर्तन देखते हैं तो वो औसत दर कहलाता है, लेकिन अगर किसी निश्चित समय पर
सांद्रता का मान कितना हो रखा है, जब वो पता करते हैं तब ये कहलाता है बेटा ताक्षणिक दर। मैंने कहा जब एक निश्चित समय पर सांद्रता का मान कितना हो रखा है वो पता करते हैं तो हम उसको कहते हैं बेटा ताक्षणिक दर। और इसका सूत्र होता है dx by dt। देखो दोनों एक जैसा है, ये औसत दर है, ये ताक्षणिक दर है, बस दोनों में फर्क क्या है, यहां पर आपने डेल्टा का साइन लगाया है। तो बेटा डेल्टा का मतलब होता है बड़े अंतराल में आने वाला बदलाव, यानी कि बड़ा बदलाव, बड़ा बदलाव। और बेटा डी का मतलब होता है, डी का मतलब है छोटा बदलाव। ये बताओ जब मैं कहूंगा इतने समय में कितना सांद्रता हो गया है, तो जितने देर में आप मुझे आंसर देंगे, समय तो रुकता नहीं है ना बेटा, समय तो थोड़ा सा बदलेगा। जब मैं पूछूंगा इतने समय में कितना सांद्रता हुआ है, तो देखते देखते में, बताते बताते में समय रुकेगा थोड़ी, समय थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा और सांद्रता भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। पर यहां पर समय का बदलाव एकदम नहीं के बराबर है, सांद्रता का बदलाव एकदम नहीं के बराबर है। तो यहां पर भी बदलाव होगा लेकिन बहुत कम। तो बहुत कम बदलाव को डी साइन से दर्शाते हैं और बड़े बदलाव को डेल्टा साइन से दर्शाया जाता है। तो याद रखना औसत दर, एक बार फिर से रिपीट करता हूं बेटा, औसत दर किसको बोलते हैं, दो अलग अलग टाइम के लिए, दो बड़े समय के अंतराल में आने वाले बदलाव को औसत दर बोलते हैं। और किसी निश्चित समय में सांद्रता का जो भी मान दिखेगा उसी को बोलते हैं बेटा ताक्षणिक दर। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। क्रिया के दर को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं, मैं आपसे पूछूंगा, बताओ क्या करने से क्रिया ज्यादा स्पीड से होगा, क्या करने से क्रिया का दर कम होगा। तो ये आप पहले से ना थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, चलो एक बार याद दिलाऊं, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो कौन कौन से कारक होते हैं जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। पहला है तापमान। तापमान सबको पता है, ये सबने पढ़ा है छोटे क्लास में, क्या बेटा तापमान बढ़ाने से क्रिया का दर बढ़ता है। तो आप यहां पर कह सकते हैं कि जो दर है, एक मिनट, यहां पर जो दर है क्रिया का दर है बेटा वो तापमान के समानुपाती होता है। जितना ज्यादा तापमान लोगे क्रिया का दर उतना ही ज्यादा होगा। लेकिन हमने ये तो पढ़ा है कि तापमान बढ़ाने से क्रिया का दर बढ़ जाएगा, पर कितना बढ़ेगा? अगर मैं तापमान को 200 केल्विन से बढ़ा के 400 केल्विन कर दूंगा तो स्पीड कितना बढ़ेगा, आगे चल के इसी चैप्टर में आपको यह सीखने को मिलेगा। पर अभी मैं आपको जनरल इंट्रोडक्शन बता रहा हूं। सबको पता है तापमान बढ़ाने से क्रिया का दर जो है वो बढ़ता है। इसके अलावा बेटा और कोई कारक बताओ जल्दी, तापमान के अलावा और कोई कारक है जिसके कारण रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाता होगा? सही बात है, दाब। सही बात है बेटा, दाब। यह भी एकदम सिंपल सा कहानी है कि क्रिया का दर बढ़ जाएगा अगर आप दाब बढ़ाएंगे, है ना। प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाता है, यह भी हमने पढ़ा है छोटे क्लास में। इसके अलावा और कोई कारक बताओ, और कोई कारक बताओ मुझे, है जी, क्या होगा बेटा, कैटलिस्ट। हाँ सही है, और बताइए और कौन कौन से कारक होंगे इसके अलावा। हाँ क्या हो सकता है, अभिकर्मक, है ना, अभिकर्मक यानी कि कैटलिस्ट। अभिकर्मक यानी कि कैटलिस्ट, तो सबको पता होगा बेटा कि अभिकर्मक यानी कि जो कैटलिस्ट होता है, माफ कीजिए अभिकर्मक नहीं बेटा, क्या बोल रहा हूं मैं, सॉरी, एक मिनट, उत्प्रेरक इसे कहते हैं कैटलिस्ट। हाँ जी, तो ये बताइए, सबने पढ़ा है कि किसी भी अभिक्रिया में अगर आपने उत्प्रेरक डाल दिया, कैटलिस्ट डाल दिया, तो रिएक्शन फास्ट हो जाता है। सबने पढ़ा है ना ये बात, उत्प्रेरक जो है वो किसी भी अभिक्रिया को प्रेरित करता है कि वो जल्दी जल्दी चले। तो इसका मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि क्रिया का जो दर है वो समानुपाती होगा बेटा उत्प्रेरक के मात्रा के, या उत्प्रेरक के, सिंपल भाषा में कहूँ तो उत्प्रेरक के। तो आप अगर कैटलिस्ट का प्रयोग करते हैं, उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं, तो क्रिया का दर जो है वो बढ़ जाएगा। इसके अलावा और कौन सा कारक है मुझे बताओ, और कौन सा कारक है, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, सांद्रता।
सबको पता है, हम छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी क्रिया का दर जो है वो समानुपाती होता है, वो समानुपाती होता है किसके, समानुपाती होता है बेटा अभी कारक के सांद्रता के, है ना। यानी कि आपका अभिकारक जितने ज्यादा सांद्र होगा वो उतना ही तेज रिएक्शन करेगा, जितना ज्यादा सांद्रता होगा उतना ही ज्यादा वो रिएक्शन करेगा। जरा समझाता हूं, आपने पढ़ा है लोअर क्लास में, कैसे पढ़ा है, कैसे पढ़ा है इसको, कि मान लो एक अभिकारक है उसको आप उत्पाद में बदल रहे हो। अब मैं आपसे पूछूंगा ये रिएक्शन कितना स्पीड से होगा, इसका दर क्या होगा, तुम बोलोगे कि सर इस क्रिया का जो दर है, इस क्रिया का जो स्पीड है वो समानुपाती होगा ए के मोलर सांद्रता के, है ना। आपने पढ़ा है बेटा छोटे क्लास में, यानी कि कक्षा ग्यारहवीं में साम्यावस्था में इसको हम लोग कितने बार पढ़ चुके हैं। तो बेटा क्रिया का दर जो है वो आप साफ साफ देख सकते हैं कि ए के सांद्रता पर निर्भर कर रहा है, आपने ऐसा पढ़ा है, आपने ऐसा पढ़ा है। और अगर आप दो अभी कारक ले लेंगे, दो अभी कारक, तो आप कहते हैं कि क्रिया का दर यानी कि स्पीड इस बार दोनों के सांद्रता पे निर्भर करेगा। यानी कि ए और बी में से किसी के भी सांद्रता बढ़ाओगे तो दर बढ़ जाएगा, तो क्रिया का दर बढ़ जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगा अगर आप रिएक्टेंट के सांद्रता को बढ़ाते हैं। तो सिंपल सी कहानी थी क्या बेटा, जितना ज्यादा सांद्रता लोगे, जितना ज्यादा आप अभिकारक का सांद्रता लोगे, रिएक्शन का स्पीड उतना ही ज्यादा होगा। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ था। कुल मिला के इतने कारक होते हैं जो रिएक्शन के स्पीड को कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे प्लीज़।